वेलकम टू द मैथ क्लासेज स्टूडेंट्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 18. आई होप यू ऑल हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 19. बट इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ कंसल्ट विद मी कि सर मुझसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ, सो आई विल डिस्कस विद यू. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18. सम स्टूडेंट हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18. मतलब 16 से 18 क्वेश्चन है, उनमें हमें ओनली वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है. नाउ सी 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है. अब हमें क्वेश्चन देखते ही देखो आपके माइंड के जितने भी सेंसर हैं ना, आई मीन माइंड के जितने भी सेल्स हैं, वो एकदम चलने लगे जानी चाहिए कि मैं क्या करूँ क्या करूँ. क्वेश्चन आ गया, क्या इसमें फॉर्मूला पुटअप हो सकता है? तो आपको देखना पड़ेगा कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस. यहाँ पर 10 है, अगर अंदर कुछ 10 इनवर्स में कुछ बन जाता है, सो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट और बचा हुआ जो पार्ट बन जाएगा, दिस इज माय आंसर. नाउ सी हाउ कैन आई टैकल दिस क्वेश्चन. सी 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2. अब हमने क्या करा, हमारी प्लानिंग क्या है कि अंदर हम क्या लाए. हमारी प्लान देखो दिमाग में चलना चाहिए कि क्या प्लान करूँ कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकूँ. तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं 10 इनवर्स में बना लूं और इसको भी 10 इनवर्स में बना लूं तो मेरा काम हो गया. 10 बाहर है, 10 इनवर्स में अंदर बन जाएगा, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, देन आई कैन सॉल्व दिस सम. सो देखते हैं कैसे होता है सॉल्यूशन. लेट साइन इनवर्स, हमने क्या है, जो साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 इसको हमने क्या मान लिया, थीटा 1, इसको हमने थीटा 1 मान लिया. सो साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 और ये यहीं रह गया 3/5. अब देखो साइन थीटा 1 को हम और क्या लिख सकते हैं, बाय ट्रायंगल. अगर हम ट्रायंगल से देखें, एट्थ क्लास या नाइन्थ क्लास की प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, बाय ट्रायंगल. इफ दिस इज थीटा, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा क्या होता है, हमको पता है कि क्या है, लाल बट्टे काका. मतलब लाल क्या है आपका, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है, लाल से आपका लंब हो गया, कैसे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा. तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सो साइन थीटा ये क्या लिख रहा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ये एल लिख रहा होगा, ये के लिख रहा होगा. सो परपेंडिकुलर, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर कौन सा, यही तो है हमारा. तो ये क्या लिख रहा होगा, 3, और हाइपोटेनस कितना है, 5. हाइपोटेनस कितना है आपका, 5. यू कैन सॉल्व बाय पाइथागोरस प्रमेय, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस बेस. बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 4. यू कैन यूज द पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यू कैन ईजली गेट द वैल्यू ऑफ दिस बेस. नाउ सी, जब साइन थीटा हमने निकाल लिया, हमने तीनों साइड इसकी निकाल ली, तो क्या हम टेन थीटा नहीं निकाल सकते यहाँ से. टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या होता है आपका, आपको पता होगा, ये अगर इज स्टैंड फॉर साइन थीटा, साइन के लिए, दिस वन इज फॉर कॉस, दिस वन इज फॉर टेन, सिमिलरली दिस वन इज फॉर कॉट, सेक, एंड लास्ट वन इज ऑफ कॉसेक. सो हमको निकालना है 10. 10 क्या होता है आपका, L अपॉन A, मतलब लंब अपॉन में आधार, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देख सकते हो आप, परपेंडिकुलर कितना है, 3, बेस कितना है, 4. सो 3/4, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो थीटा 1 क्या आ गया, 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/4. थीटा 1 आ गया 3/4. अब देखो थीटा 1 क्या है हमारा, साइन इनवर्स. थीटा 1 भी कितना है, साइन इनवर्स 3/5. थीटा 1 भी कितना है आपका, थीटा 1 भी कितना है, 10 इनवर्स 3/4. ये थीटा 1, ये थीटा 1, दोनों एक ही तो वैल्यू है. तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 3/5. इज इट क्लियर, क्योंकि ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, इस थीटा की वैल्यू भी है, इस थीटा की वैल्यू भी ये है. ओके, सो साइन इनवर्स 3/5 को हमने किस टर्म में कन्वर्ट कर दिया, 10 इनवर्स के टर्म में 3/5. यही तो हमारी प्लानिंग थी कि हम इसके प्लेस पे कुछ ऐसा लाएं 10 इनवर्स के टर्म में. इज इट क्लियर. सो साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या रख सकते हैं, 10 इनवर्स 3/4. क्लियर, क्योंकि थीटा 1 ये भी है, थीटा 1 ये भी इसके भी बराबर है, तो ये भी बराबर होंगे आपस में. सिमिलरली व्हाट वी कैन डू, सिमिलरली कॉट इनवर्स 3/2 पुट अप कर लेंगे थीटा 2 के प्लेस पे. कॉट इनवर्स इधर आएगा तो कॉट थीटा 2, 3/2 एज इट इज यहाँ रहा, सो कॉट थीटा. अब देखो कॉट थीटा 3/2 है तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा अगर हम निकालेंगे 1 अपॉन कॉट थीटा,
वन अपॉन कॉट थीटा। सो कॉट थीटा अगर इतना है तो टेन थीटा कितना हो जाएगा इसका, आप उल्टा इसको वन अपॉन कर दो, इसको वन अपॉन करोगे तो क्या क्या मिल जाएगा आपको, 2/3। ओके यहाँ से देखो टेन थीटा और आपका कॉट कितना था, आपका कॉट था आपका 3/2, सो 3/2, 2 कहाँ चला गया ऊपर, सो दिस बिकम 2/3। ओके सो अब टेन थीटा 2 इज इक्वल टू 2/3 बन गया। सो टेन अगर इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, इनवर्स में। सो इधर गया तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 2/3 और थीटा 2, थीटा 2। अब ध्यान से देखो थीटा 2 किसके बराबर है, कॉट इनवर्स 3/2, और थीटा 2 और किसके बराबर है, टेन इनवर्स 2/3। मतलब थीटा 2 इसके भी बराबर है, थीटा 2 इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ से क्या देखा कि कॉट इनवर्स 3/2 को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टेन इनवर्स 2/3। यही तो हमारी प्लानिंग थी। ओके नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2 वी गेट थीटा 1। आप कह सकते हो कि थीटा 1 देखो इसकी वैल्यू भी पुट अप करेंगे, इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है, पूरी कंप्लीट ये निकल कर आई है। और जो थीटा 2 था ये थीटा 2 एक्चुअली वैल्यू किसकी है, यही तो थीटा 2, मतलब कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू भी क्या निकल कर आई है, ये निकल कर आई है। आप ये भी रख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, किस किस की वैल्यू रखेंगे, साइन इनवर्स 3/5 और कॉट इनवर्स 3/5, इनकी वैल्यू हम रख रहे हैं। ठीक, तो जब हमने इनकी वैल्यू रखी तो हमने क्या देखा, थीटा 1 की वैल्यू रख दी, थीटा 1 आपका क्या आया, थीटा 1 आ गया आपका यहाँ से टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4, एंड थीटा 2 कितना आ गया, टेन इनवर्स 2/3, टेन इनवर्स 2/3। नाउ सिंपली अब आपका दिमाग चल जाना चाहिए, क्या बन जाएगा, टेन टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला। सो वी ऑल नो द टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। इफ हेयर पॉजिटिव साइन देन ऑल्सो इन न्यूमिनेटर देयर विल बी पॉजिटिव साइन। सो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, सो टेन तो बाहर चल ही रहा था, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, एक्स कितना 3/4 प्लस वाई कितना 2/3 अपॉन वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स कितना है 3/4 इंटू वाई कितना है 2/3, 2 से 4 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो देखो एज इट इज चल रहा है सब कुछ, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो ऊपर क्या हो जाएगा इसका 4 इंटू 3 टाइम्स 3 टाइम्स जाएगा ये 4 को अगर हम इससे करेंगे 3 टाइम और 3 का मल्टीप्लाई फिर 3 से 9, अगेन प्लस का आ जाएगा आपके पास 8। आप एलसीएम ले सकते हो, आप 3 को इससे करोगे 4 टाइम और 4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से, 8 आ गया, एलसीएम लेना है। ओके नीचे क्या चल रहा है हमारा, 1 माइनस ये सब कैंसिल आउट, 1/2 चल रहा है, 1 ऊपर होगा अपॉन में 2 नीचे बच रहा है, सो 1 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा एलसीएम 2, दिस बिकम 2 माइनस 1 मतलब 1/2, सो 2 माइनस 1 अपॉन में 2, सो 10 इनवर्स ये आपका हो गया 17, और मैंने क्या करा 2 से 12 को कैंसिल आउट कर दिया 6 आ गया, सो 17 अपॉन 6, नीचे क्या बच गया 2 माइनस 1 1, सो दिस बिकम 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट 17/6 इज योर आंसर, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल आउट 17/6 योर आंसर। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट, देखो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू, 6 इज इक्वल टू, देखो बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट करके 7π/6 लिख दिया, पर आपको देखना है कि कॉस इनवर्स की रेंज कितनी होती है, प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ लाई करती है, 0 to π, बट 7π/6 इज बियॉन्ड द 0 to π, ये इससे ज़्यादा है, पाई से 180 से ज़्यादा है, सो दिस वैल्यू इज नॉट द आंसर। फर्दर हम क्या करेंगे, अगेन लेंगे कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, देखो कॉस इनवर्स कॉस किसका चल रहा है, प्लस का, अब आप इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, आपका कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस वन इज π/2 एंड दिस वन इज 2π, दिस इज पाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं पाई लेता, पाई माइनस थीटा, पाई पाई में से माइनस कर रहा हूँ कुछ, कहाँ जा रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट, बट सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या रहता है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, तो ये तो नेगेटिव का आ जाएगा, हमें पॉजिटिव का लेना है और एंगल की वैल्यू भी ऐसे आ जाए जो लाई कर जाए इस रेंज में। क्लियर? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम क्या करें, अगर हम फर्स्ट में रहता है आपके पास और क्या रहता है आपके पास सेकंड में, कॉस का कॉस ही बनना चाहिए तो हम पाई या 2π यूज़ करेंगे, और कॉस प्लस का आना चाहिए, तो हमने क्या करा 2π है, फोर्थ में प्लस का रहता है तो 2π में से कुछ क्या करेंगे माइनस, 2π में से अगर हम कुछ माइनस करते हैं 2π माइनस थीटा, थीटा कितना ये है
तो 2 पाई की वजह से कॉस का कॉस हुआ, और 2 पाई माइनस थीटा की वजह से, 2 पाई माइनस थीटा की वजह से कहाँ पर आ रहा है, 2 पाई माइनस थीटा की वजह से कहाँ आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वहाँ पर क्या रहता है, ये पॉजिटिव रहता है। इज़ इट क्लियर कि आपको कैसे लेना है, क्या कब क्या करना है? ओके, सो बस कॉस इनवर्स कॉस दिस बिकम एलसीएम ले लेना, 5 पाई बाय 6, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट, नाउ 5 पाई बाय 6 विच बिलोंग्स टू 0 to π, दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू, यू हैव मैनी मैथड टू सॉल्व दिस सम। पहले साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकाल लो, या फिर यू हैव फॉर्मूला ऑल्सो। क्या है देखो, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये वाले सारे फॉर्मूले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी। साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक। अगर साइन टेन कोसेक आ जाए तो माइनस 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 आगे, अगर कॉस कॉट सेक आ जाए तो पाई और आएगा आगे, पाई माइनस कोसेक कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ओके, बस हो गया क्वेश्चन आपका। सॉल्यूशन साइन पाई बाय 3 माइनस का, ये माइनस का लग रहा था, माइनस का साइन माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये यही लिख रहा है, साइन इनवर्स माइनस माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। माइनस साइन तो माइनस साइन आ गया एज इट इज, और इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या है आपके पास, 1/2। क्लियर, एक्स क्या है आपके पास, 1/2। ओके, माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, सो साइन पाई बाय 3 पॉजिटिव साइन इनवर्स 1/2। ओके, साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 को और क्या लिख सकते हैं हम, साइन में ही, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाय 6 पूरे की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/2 को क्या लिख दे, साइन पाई बाय 6, क्यों लिख रहे हैं, ताकि साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए, नहीं तो 1/2 तो कॉस में भी होती है ना वैल्यू। ओके, उससे कोई हल तो निकलेगा नहीं, दैट्स व्हाई। सो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट, साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 दिस बिकम पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 एंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 2 वी ऑल नो 1 इज योर आंसर। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली दैट व्हाट आई हैव टू से टू यू, कि अब जो आपका मैं आपका आपकी देखो टिल नाउ आपकी 2.2 एक्सरसाइज हैज कंप्लीटेड। इसका 21 क्वेश्चन है और जितने भी रिमेनिंग है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। 21 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप उसको करके आओ, ठीक है। तो टिल नाउ 2.2 या फिर वी कैन से दैट 2.2 या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हैज कंप्लीटेड, आपकी यूनिट है जो वो कंप्लीट हो चुकी है। बट फ्रॉम माई व्यू दिस इज इनकम्प्लीट, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्जेशन विद यू अबाउट द ग्राफ, अबाउट द फॉर्मूलाज, अबाउट द कंसेप्ट। देखो जितने भी स्कूल्स चलते हैं, जितने भी जहाँ पे भी चलते हैं, कोई नहीं मतलब करता, फॉर्मूले आपके पास, फॉर्मूले पुटअप करो, फॉर्मूले लिखवा दिए जाते हैं, ये इनके फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो एंड आप आंसर आ जाते हैं। सॉल्यूशन सबका आता है, तो सारे स्कूलों में ऐसे चलता है। बट फ्रॉम माई व्यू माई ओपिनियन इज दैट वी शुड कम्प्लीट अवर फॉर्मूलाज, दैट हाउ कैन वी डराइव द फॉर्मूलाज। डराइव कैसे हुए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है डराइव करने की, या फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि उसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने की, तो कि है क्या, है ना, वो एनालिसिस होता है, एनालिटिकल वो हो जाता है हमारा एनालिटिकल पार्ट, एनालिसिस जिसको हम कहाँ करते हैं, बड़ी क्लासों में हम जिनको स्टडी करते हैं। अभी हमारा क्या है, दिस इज़ अवर ये हमारा है, हमारा पार्ट है कि हमारे पास फॉर्मूला, हम पुटअप करते हैं, क्वेश्चन पाते हैं फ्रॉम द 12th स्टैंडर्ड तक, ठीक है। तो हम कंसेप्ट, मैं आपके दो से तीन दिन और लेना चाहूँगा इसी यूनिवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ताकि मैं आपको कंसेप्ट और ग्राफ्स, अगर आप ग्राफ बनाते हो तो आपको ये बहुत बढ़िया फीलिंग आती है कि हाँ मैंने कुछ किया है ना, तो मैंने कुछ अप्रोच किया है, दैट्स वाई। सो अभी तक देखो जिसको 2.2 हो चुकी है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, बट मैं 2 to 3 days और लूँगा आपके फॉर क्लियरेंस ऑफ योर बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट तो ठीक था, पर इसमें है अभी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। अगर आपको डेब्यूट करना है किसी से, भाई डिबेट हो रही है आपकी, ठीक है, इंटरव्यू हो रहा है, तो क्वेश्चन फॉर्मूला अगर क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन तो दूसरा भी कर देगा, बट आप जीत कहाँ पाओगे, आप जीत पाओगे डिबेट में, आपके बेसिक कंसेप्ट में कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये होती है एक्चुअली, और आपको ग्राफ्स में व्हाट इज द पीरियड, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द ये आई कैसे,
क्लियर, वो तो बता देगा कि रेंज कितनी होती है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, बट हाउ कैन इट बी डराइव्ड फ्रॉम द बेसिक कंसेप्ट, इज इट? सो अब मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, सो थैंक्स टू ऑल ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एंड टेक केयर, थैंक यू.